हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमें ढकेल दिया गया है डार्क मिडिवल टाइम्स में, जहाँ पे हम किताबों में पढ़ते थे कि कोई बादशाह के इन्वेड करता था सिटी को और सीज में रखता था और वहाँ पे पूरा कट ऑफ करके जब तक वो नील नहीं करते थे। दिस इज एन एग्जैक्ट सिचुएशन लाइक दैट। इट्स अ बारबेरिक एक्ट, इट्स एन एक्ट ऑफ एक्सट्रीम कंट्रोल ऑफ अ स्टेट ओवर इट्स सब्जेक्ट। कश्मीरी लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती तो इतनी फौज लाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने फौज लाई है, ज़बरदस्ती हमसे की है, हमारी ज़िंदगी देखी आप, आज देखिए हमको बनाया कैसे इन लोगों ने। वी आर लिविंग लाइक नोमैड्स, आई मीन वी हैव नथिंग, सब कुछ बंद कर दिया। ये आई डोंट थिंक इट्स अ नॉर्मल लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अंदर से लोगों के अंदर मतलब भरा हुआ है, जो ही लोगों को मौका मिलेगा ये उबल पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ 5 साल बाद यही 370 आप देखते हैं। आई एज अ सिटीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड मैं चैलेंज करता हूँ कि 5 साल बाद भी यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि द रियल क्वेश्चन ऑफ व्हाट द पीपल वांट, द पीपल्स वॉइस इज नॉट बीइंग हर्ड। इंटीग्रेशन अगर वो कहते हैं कि एक भारत को हम बनाएंगे तो वो तो दिलों के साथ होना चाहिए। आई एज अ कश्मीरी इफ इन माई हार्ट इफ आई रेज द फ्लैग ऑफ द इंडिया दैट इज इंटीग्रेशन। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को हड़पने की बात है और उसके अलावा कुछ नहीं।